संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। ओवरऑल सर, पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि अगर हम पिछला पूरा साल देखें तो कोविड के बाद की सिचुएशन थी, डिमांड आउटलुक काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिख रहे थे, कैसे देख रहे हैं आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर को? देखिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर मैं समझता हूँ कि गेम चेंजर रियर रहा हमारे लिए, क्योंकि जैसे हम कोविड से बाहर आए तो हर एक के थोड़ा सा माइंड में फियर था कि मार्केट आगे कैसे चलेगी, लेकिन कोविड के बाद एकदम से इकोनॉमी थोड़ी सी अपलिफ्ट हुई है और उसके बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है और इवनिंग गेट टुगेदर फंक्शन चालू हुए हैं, शॉपिंग चालू, तो उसके कारण आई थिंक ये सारे कारणों के कारण लास्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा रहा और हमारी जो ग्रोथ है वो पिछले साल से 45% रही है इसमें टर्नओवर में और अराउंड 72% हमने किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हम देखें तो इवन प्री कोविड से भी हम 25% हमने ज्यादा ग्रोथ की है। ओके सर, एक ओवरऑल व्यू आपकी कंपनी की तरफ मैं बात करूं और फाइनेंशियल्स के ऊपर हम बात करें, उसके पहले एक मार्केट आपसे समझ गए, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले दिनों में देखा है कि कमोडिटी, जो अगर हम एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ से लेके हमने ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस है वहाँ पे एक बढ़ोतरी आती हुई दिखी थी, तो ये एक जो प्राइसिंग आती हुई दिखी है उसके चलते हुए ओवरऑल आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के मार्केट को आप कैटर करते हैं वहाँ पे इन तरह की जो इन्फ्लेशन है, इन तरह की जो प्राइस राइज है, उनकी इम्पैक्ट तुरंत ही आ जाती है, तो ये सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल, अगर इंडस्ट्री के आउटलुक के साथ और आपकी कंपनी के साथ हम मिला के देखें तो? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अभी पिछले कुछ टाइम में रॉ मटेरियल में काफ़ी तेजी रही है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, कॉटन प्राइसेस भी काफ़ी बढ़े थे, बट हम क्या, जब हम ट्रेड शो करते हैं तो हम 6 महीने एडवांस में करते हैं और उस टाइम पे हम जो इंक्रीज होती है हम अपना मटेरियल कवर करते हैं और वो सारी इंक्रीज हम लास्ट ईयर हमने 18% पास ऑन की अपने समर प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जहां तक अभी कॉटन प्राइसेस की बात है, मैं समझता हूँ कॉटन प्राइसेस ऑलरेडी पीक आउट हो चुके हैं और इनके स्टेबल रहने के या थोड़े नीचे आने के चांस ज्यादा हैं और जो प्राइस हाइक हमने ली है उसमें ये कॉटन प्राइस की जो इंक्रीज हुई है वो कवर हो रही है। तो एज फार एज मोंटे कार्लो इज कंसर्न, हमें लगता है कि हमारे मार्जिन प्रोटेक्टेड रहेंगे और हमें इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, खासकर रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज से। ओके, इसके साथ साथ सर एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे कि जब इंडस्ट्री के ओवरव्यू की बात कर रहे हैं तो अभी एक सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए रहा है, तो ये एक्सपोर्ट का सिनारियो आप किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे अभी सिचुएशन को हम किस तरह के कैटर करके चल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मोंटे कार्लो का सवाल है तो हम पूरा डोमेस्टिकली सर्व करते हैं, हमारी 100% सेल डोमेस्टिक की होती है, लेकिन अगर वैसे हम एक्सपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन रॉ मटेरियल प्राइसेस के कारण जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। राइट सर, सर अभी हम आपके फाइनेंशियल डिटेल्स के ऊपर जाते हैं, तो अगर हम देखें तो पूरा अगर FY22 की अगर हम देखें तो आपके मार्जिन्स जो है वो यहाँ पे हमने सुधरते हुए दिखे हैं और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जो प्री कोविड लेवल थे उसके ऊपर आते हुए दिखे थे, तो अब ये फ्रंट के ऊपर हम, क्योंकि प्राइस राइज की हम बात कर ही रहे थे तो पहले हम रेवेन्यूज़ के फ्रंट के ऊपर हम डिस्कस करें, उसके पहले मार्जिन को हम समझना चाहेंगे, मार्जिन को आप किस तरह से यहाँ पे एक्सपांड होता हुआ देख रहे हैं या तो फिर ये एलिवेटेड लेवल पे हम मार्जिन को कितना सस्टेन होते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम समझते हैं कि जो हमने प्राइस इंक्रीज ली है अभी कॉटन प्रोडक्ट्स के ऊपर और वुलन के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ली है, उससे हम मार्जिन सस्टेन करने में सफल होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अभी प्राइस ऑन ऑलरेडी हमारा ट्रेड शो हो चुका है और हम प्राइस ऑन पास ऑन कर चुके हैं, तो और जो ये रॉ मटेरियल प्राइजेज हैं हमें लग रहा है अब ये ऑलमोस्ट पीक के ऊपर हैं और यहाँ से थोड़ा सा गिरने की संभावना है, ऊपर जाने की संभावना नहीं है, तो मुझे लगता है कि इससे मार्जिन हमारे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगे इस साल और ये हमारे स्टेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू लास्ट। तो सर ये बहुत बड़ी और अच्छी बात कही आपके जो निवेशक हैं उनके लिए, यहाँ से अभी कीमतें बढ़ने की गुंजाइश नहीं है तो आपके मार्जिन जो है वो यहाँ पे अभी एलिवेटेड होने की उम्मीद रख के चल सकते हैं, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है तो आपको सीधे सीधे हिसाब से आपने जो प्राइस राइज लिया था उसका एक बेनिफिट आपको ओवर द काउंटर देखने को मिलेगा? देखिए, जो हमने प्राइस राइज लिया था वो सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में जा चुकी है, अभी जो हमने ट्रेड शो में प्राइस राइज लिया उसका हम मटेरियल कवर कर चुके हैं, तो मटेरियल चेंजेस में हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम एडवांस में उसकी करेक्शन और एडवांस में उसकी परचेज कर लेते हैं, लेकिन अगर आगे जाके रॉ मटेरियल प्राइस कम होता है तो प्राइस तो डेफिनेटली यहाँ से कम आने वाले नहीं है, तो उसे डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा।
राइट सर। तो सर इसके साथ ये भी बताए सर कि रेवेन्यू के लिए लेके आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो आपके जो स्टोर्स ओपन हुए उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके पहले अगर रेवेन्यूज भी देख ले तो वो भी आपके प्री कोविड लेवल्स के ऊपर आते हुए दिखे, तो रेवेन्यूज में अभी यहाँ से और भी ग्रोथ की उम्मीद लेके चल सकते हैं? देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कॉन्फ्रेंस कॉल में गाइडेंस भी दी थी। हम उस गाइडेंस में हमने ये कहा था कि हम 20-25% इस साल ग्रो करेंगे ओवर एंड अबव जो हमने लास्ट ईयर किया उसके अलावा। तो मैं समझता हूँ कि कंपनी के लिए काफी अच्छा साल रहने वाला है ये, क्योंकि डिमांड आउटलुक भी काफी स्ट्रांग है और जो हमने गाइडेंस दिया 20-25%, हमें लगता है हम इसको पूरी करने में कामयाब होंगे। ओके तो ये रेवेन्यूज के टारगेट की हम अगर हम बात करें सर, तो अगर हम प्रोडक्ट मिक्स को यहाँ पे समझना चाहे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह से हम कंट्रीब्यूशन को देख पाएंगे? देखिए, ऑनलाइन की कंट्रीब्यूशन प्रेजेंटली अभी हमारी 6-7% के बीच में है और हम समझते हैं आगे जाके इसका बैंड 6-8% तक हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन की सेल्स काफी इंप्रूव हो रही है। पर अभी हमने देखा है कि फिलहाल जो ट्रेंड है तो ऑफलाइन की सेल भी काफी बड़ी है, क्योंकि कस्टमर अब कोविड के बाद घर से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो दोनों में ग्रोथ आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्टेबल रहेगा, जैसे हमारी कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन सेल से वो वही 6-8 के बीच में रहेगी और बाकी ऑफलाइन से आएगी। ये एक चीज़ हमारे सामने आती हुई दिख रही है सर। एक आपकी चीज़ जो है वो आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी देख रहा था कि आपने FY22 के दौरान अगर हम देखें तो आपने ऑलमोस्ट नए 35 स्टोर्स ओपन होते हुए देखे, तो ये नए ओपन हुए स्टोर्स का रेवेन्यूज कब तक हम कैश होता हुआ देख पाएंगे, किस तरह की आप पर स्क्वायर फुट रेवेन्यूज की उम्मीद लेके चल रहे हैं? देखिए, जैसे हम स्टोर ओपन करते हैं साथ ही सेल्स की शुरू हो जाती है, तो नॉर्मली ये हमें ईयर एंड में देखते हैं कि हम एक शोरूम का टारगेट बना लेते हैं। तो जो शोरूम जैसे जो अप्रैल में ओपन होता है वो तो पूरे साल की सेल कंसिडर की जाती है, लेकिन जो शोरूम मिड ऑफ द ईयर होते हैं कुछ जून में, कुछ जुलाई में, कुछ सितंबर में, उसी अकॉर्डिंगली उसकी हम सेल डेफिनेटली इंक्रीमेंटल सेल जो है वो शोरूम्स में ऐड आएगी। और इस साल भी हमारे 25-30 शोरूम खोलने का प्लान है। ओके सर, रेवेन्यूज़ के अगर हम ब्रेकअप के ऊपर भी अगर हम देखें तो जहाँ पे हमने देखा है कि अगर इंडिया के डोमेस्टिक रीजन के हिसाब से देखें तो नॉर्थ में आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन टर्म्स ऑफ अगर हम क्वार्टरली बेस पर देखें या तो फिर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो भी, तो ये जो नॉर्थ की पूरी टेरिटरी है उसमें आपका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 55% के आसपास देखने को मिला है, यहाँ पे अब आपका मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं और साथ ही रेवेन्यूज भी यहाँ से बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं कि जो अभी हमने ईस्ट रीजन में भी आपका जो ग्रोथ आते हुए दिखा है वहाँ पे अभी ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद लेके चल सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड जैसे कि अब हम बाकी रीजन में भी काफी ग्रो कर रहे हैं, अभी साउथ और वेस्ट में लास्ट ईयर हमने 50% ग्रोथ किया है और नॉर्थ में तो ग्रोथ कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिन रीजन्स में हमारी बेस लेवल कम है रेवेन्यूज का वहाँ पे अगर ज्यादा ग्रोथ आएगी तो डेफिनेटली जो कंट्रीब्यूशन है धीरे धीरे बाकी रीजन से भी बढ़ेगी। नॉर्थ तो ऑलरेडी हमारा स्ट्रॉन्ग है ही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे कि अगर हम 1-2 साल की बात करें तो जो कंट्रीब्यूशन साउथ और वेस्ट से है वो थोड़ी सी बढ़ेगी और नॉर्थ और ईस्ट में स्टेबल रहने वाली है, तो इस तरह से रेवेन्यू मिक्सअप होगा। तो सर, रेवेन्यू मिक्स के साथ एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझना चाहेंगे कि आप जिस तरह से नॉर्थ में आपकी पोजीशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना के रखी है, इस बार अगर हम देखें तो आपके जो अदर जो ऑनलाइन सेगमेंट है वहाँ से हमने ग्रोथ को अच्छी खासी आती हुई दिखी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो रीजन स्पेसिफिक हमें कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत रहती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो क्या आगे आने वाले साल में FY23 की अगर हम फर्स्ट हाफ को देखें तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन सेकेंड हाफ के लिए क्या हम फिर से ऑनलाइन वाले मार्केट के ऊपर कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ देख पाएंगे? देखिए, ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन तो हर साल बढ़ ही रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज ऑनलाइन शॉपिंग को मतलब की तरफ जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऑनलाइन एक ऐसा ट्रेंड है जैसे कि हमने यूरोप और यूएस में भी देखा, चाइना में भी देखा है, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 25-30% रहती है। यहाँ पे अभी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इंडियन मार्केट में अभी 7-8% है, तो धीरे धीरे ये बढ़ रही है। जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ता रहेगा ऑनलाइन की सेल बढ़ती रहेगी, लेकिन इस साल मेरे को लग रहा है कि ये स्टेबल रहने वाली है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो ऑफलाइन सेल है वो भी इस टाइम काफ़ी बढ़ रही है, तो जिससे कि कंपनीज को फायदा है, क्योंकि ऑलरेडी हायर रेंटल्स पे उन्होंने लोकेशंस ली होती हैं,
रेंट भी देना होता है, जो पिछले साल थोड़ा सा सेल कम हो गई थी, इस साल वो सेल काफी बढ़ रही है। तो मेरे को लगता है कि इस साल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बराबर में ग्रो करेंगे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप के हिसाब से देखें तो इस बार अगर हमने देखा है कि आपके जो कोटन सेगमेंट है वहाँ से हमने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखा है, और खास करके अगर हम देखें तो आपके जो नए वर्टिकल्स रहे होम टेक्सटाइल के वर्टिकल्स में, अगर हम वहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेंड हम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम कॉटन और होम टेक्सटाइल दोनों वर्टिकल्स की बात करें तो क्या आउटलुक लेके आप यहाँ पे चलते हुए दिख रहे हैं? देखिए, दोनों सेगमेंट अपनी तरह से अलग गए और दोनों ग्रो कर रहे हैं। होम टेक्सटाइल सेगमेंट हमने ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ किया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। कॉटन सेगमेंट में भी 50% से ज़्यादा ग्रोथ रही है हमारी पिछले साल में। तो ये दोनों होम फर्निशिंग में कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है, तो ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और कॉटन में भी ग्रोथ इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे 9 महीने का समर रहता है, और हमारे काफ़ी एरियाज हैं जहाँ पे सिर्फ समर ही है। तो मुझे लगता है कॉटन वाले सेगमेंट में ग्रोथ काफ़ी रहेगी आने वाले टाइम में भी। ओके, कॉटन वाला सेगमेंट जो है वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद लेके हम चल सकते हैं। सर, कॉटन की अगर हम बात करें तो इसके साथ आपने जैसा शुरुआती कमेंट में भी बताया कि अभी यहाँ पे जो कीमतें हैं वो नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है, और इस बार अगर हम देखें तो मानसून के आउटलुक को लेकर भी काफ़ी हद तक हम आश्वस्त है कि इस बार मानसून जो है वो अच्छा रहने की उम्मीद है। तो ये वर्टिकल अगर खबरें आती हुई दिख रही है, अगर मानसून भी अगर आने वाले 1-2 दिनों में अच्छे से होता हुआ दिख रहा है पेन गुजरात या तो फिर पेन इंडिया में, तो फिर यहाँ पे भी कीमतें जो है वो नीचे आने की गुंजाइश है। आप सर कैसे देख रहे हैं, कॉटन की कीमतों में क्या गिरावट की कोई गुंजाइश दिख रही है, और इसके चलते हुए आपके मार्जिन कितने एक्सपांड होने की उम्मीद भी हम लेके चल सकते हैं? मुझे लग रहा है कि जैसे मानसून अच्छे हैं और कॉटन क्रॉप के भी जो अभी तक जो न्यूज़ आई है कि वो अक्टूबर नवंबर में जब कॉटन प्राइसेस आएंगे तो प्राइस कम होंगे, जैसे कि कॉटन यार्न के प्राइस भी कम होंगे, तो डेफिनेटली उससे हमें फायदा होगा। अगर कॉटन प्राइस कम होते हैं, कॉटन यार्न प्राइस कम होते हैं, तो जो हमारी नेक्स्ट बुकिंग है अक्टूबर नवंबर में, तो डेफिनेटली उसमें उसका फायदा मिलेगा क्योंकि प्राइस ज़्यादा कम नहीं होते हैं। तो आगे जाके जैसे मानसून का भी अभी कह रहे हैं कि मानसून टाइम पे है, तो रूरल इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि रूरल इनकम काफ़ी प्रॉब्लम रही है रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में सेल भी लोगों की कम हो रही थी, अगर वो भी मानसून सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर इनकम भी बढ़ती है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा और हमारे ब्रांड के लिए भी अच्छा। ओके, सर एक और चीज़ भी आपसे समझना चाहूँगा। यहाँ पे अभी जिस तरह से हमने पूरे जो आंकड़ों की डिस्कस कर रहे थे, जैसे आपने नए स्टोर्स का यहाँ पे ओपन किए हैं और जिस तरह से हमने कॉटन सेगमेंट की भी बात की, अब एक सिनारियो जो है वो हमारे सामने ये है कि आपका जो नॉर्थ और ईस्ट जो पोर्शन है वहाँ पे आपकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। बाकी के अगर हम रीजन की बात करें तो यहाँ पे साउथ है या फिर वेस्ट जोन है या तो फिर सेंट्रल जोन है, वहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी प्रेजेंस जो है वो ऑलमोस्ट कहीं कहीं जगह पे श्रिंक हुई है और कहीं पे जगह पे स्टेंड होती हुई दिख रही है। तो ये वर्टिकल्स जो है वो क्या FY23 या फिर उसके आने वाले सालों में कुछ कैपेक्स के साथ की या फिर नए स्टोर्स के कुछ प्लानिंग है, कुछ शेयर कर पाए आप यहाँ पे? आप ठीक, जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात है साउथ और वेस्ट की एज कम्पेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट, वो हमारी कम है। लेकिन अगर हमने देखा होगा कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल फिगर में और हमने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट भी दी है, उसमें वो दोनों 40 से 50% तक ग्रो किए हैं। तो अभी वहाँ पे ग्रोथ आनी चालू हो गई है, और हमारा प्लान भी है कि 8 से 10 शोरूम्स वहाँ पे हम वेस्ट और साउथ में खोल रहे हैं, और धीरे धीरे कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि यहाँ पे जो हमारी ग्रोथ है बाकी रीजन से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बेस हमारा कम है वहाँ पे, तो वो उससे डेफिनेटली ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स पे फर्क पड़ेगा।